नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी न्यूज की हिंदी बुलेटिन। देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। शाहपुर तालुका में समृद्धि गर्डर गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल भी हुए हैं। टीडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और शाहपुर में बचाव अभियान शुरू किया गया। शाहपुर के पास खुटाली गांव के पास समृद्धि हाईवे पुल पर जब गार्डर बिछाया जा रहा था तो क्रेन और गार्डर गिर गए। इस घटना में अब तक 14 मजदूरों की मौत हो गई है और 3 अन्य घायल हो गए हैं। घायलों को ठाणे के जुपिटर अस्पताल और शाहपुर के उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एनडीआरएफ की टीम और फायर ब्रिगेड समेत अन्य टीमें मौके पर मौजूद है। कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक और राजस्व प्रशासन मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यह घटना दोपहर करीब 12 बजे की है। मंत्री दादा भूसे ने इसका निरीक्षण भी किया। एनबीसी न्यूज के लिए राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट। मूवमेंट ऑफ जस्टिस बैनर तले सभी दलों के लोग एकजुट हुए और अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर भारत को आजादी दिलाने वाले महापुरुषों को बदनाम करने वाले मनोहर कुलकर्णी उर्फ संभाजी भिड़े के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उनकी प्रतीकात्मक फोटो पर जूते भी मारे। आज इंदिरा गांधी चौक पर जूते मारो आंदोलन में देखा गया कि महापुरुषों के लिए अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल करने पर भिड़े के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश था। विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले नेताओं ने अपने बयान में उल्लेख किया है कि वे संभाजी भिड़े के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की उम्मीद करते हैं और आशा व्यक्त की है कि प्रशासन को तत्काल ध्यान देना चाहिए कि लोकतंत्र के लिए खतरा निर्माण करने वाले बयान देने वाले लोगों को दंडित करके यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में कोई भी गलत तरीके से बात न करे। इस जूते मारो आंदोलन में डॉक्टर नामदेव किसान, रोहिदास राउत, प्रोफेसर दिलीप बारसागड़े, विजय गोरडार, राज बंसोड़, रजनीकांत मोटघरे, श्याम सुंदर उराड़े, प्रशांत मड़ावी, विलास निम्बोरकर, सूरज कोड़ापे, प्रोफेसर सोनाली रामटेके, समय पसुला, सुरेश भांडेकर, हंसराज उंदिरवाड़े, प्रवृत्ति वालके, नागसिन खोबरागड़े, परमानंद मेश्राम, डॉक्टर संतोष सुरतकर, पुरुषोत्तम चौधरी, अरुणा रामटेके, मनीषा निकोड़े, मंगला मंदाड़े, वनमाला सहारे, सतीश कुसराम सहित शहर के सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित थे। संभाजी भिड़े या नावाने महाराष्ट्रामध्ये फिरतो आहे या अत्यंत घाणेरड्या आणि विकृत प्रवृत्तीच्या माणसानं, खरं म्हणजे त्याला माणूस पण म्हणू नये, या माणसाने या देशातल्या महापुरुषांबद्दल, समाज सुधारकांच्याबद्दल अत्यंत आक्षेपार्ह आणि घाणेरड्या भाषेमध्ये जे विधान केलेले आहे तो खरं म्हणजे संपूर्ण महाराष्ट्राचा नाही तर संपूर्ण देशाचा आणि देशातल्या सगळ्या नागरिकांचा तो अपमान आहे। आणि म्हणून या घाणेरड्या प्रवृत्तीच्या कुडकर्णीला आम्ही त्याचा निषेध करण्यासाठी सगळे सर्व वेगवेगळे राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांचे सगळे कार्यकर्ते आता आम्ही इंदिरा चौकामध्ये जमा झालो आणि त्याला जोडे मारण्याचं आंदोलन आम्ही सगळ्या नागरिकांच्या वतीने या ठिकाणी केलेलं आहे। त्याचा जेवढा निषेध करावा तेवढा कमी आहे। आमची सगळ्या गडचिरोली जिल्ह्यातील तमाम जनतेच्या वतीनं अशी मागणी आहे की महाराष्ट्र सरकारने ताबडतोब या मनोहर कुलकर्णीचा बंदोबस्त केला पाहिजे, त्याला ताबडतोब अटक केली पाहिजे, त्याला बेड्या ठोकल्या पाहिजे, नाहीतर येणाऱ्या काळामध्ये महाराष्ट्रातील जनता मीडिया याच्यापेक्षा जास्त उग्र आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाही असा इशारासुद्धा आम्ही या आंदोलनाच्या निमित्त महाराष्ट्राच्या सरकारला देत आहोत। मनोहर कुलकर्णी नावाचा माणूस जो संभाजी भिडे या नावाने वावरतो आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्रावर फिरण्याचं काम करतो आहे, यांनी जी अपशब्द महात्मा ज्योतिबा फुले, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी यांच्याबद्दल वापरले, त्याच पद्धतीनं अशाच प्रवृत्तीच्या लोकांनी महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या विरोधामध्येही सुद्धा अशा प्रकारचे वक्तव्य केलेली होती। आणि ही प्रवृत्ती जी बळावत आहे, समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचं काम करत आहे, आमचे महापुरुष आहेत त्यांचा अपमान करण्याचं काम हे लोक करत आहेत आणि या नावावर हे समाजामध्ये धर्माच्या नावावर, जातीच्या नावावर तेढ निर्माण करून ध्रुवीकरण करण्याचं काम करत आहे आणि त्याच्यामुळे या समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणावर हिंसा वाढत आहे आणि हे हिंसा वाढू नये याच्यासाठी आणि या समाजामध्ये ध्रुवीकरण होऊ नये आम्ही आतापर्यंत एकत्र नांदलेलो आहोत। एकत्र नांदतात कुठल्या जाती धर्माचे पंथाचे लोक असून आम्ही एकत्र राहणार आमच्या मान आमचे जे महापुरुष आहेत त्यांचा मान सन्मान, आमचे संत आहेत आमच्या देशामध्ये, आमच्या महाराष्ट्रामध्ये होऊन गेले त्यांचा मान सन्मान राखत आम्ही सलोख्याचं जीवन जगणार याच्यासाठी आम्ही अशा प्रवृत्तींचा या ठिकाणी आज गडचिरोली या ठिकाणी आपण निषेध केलेला।
NBCN न्यूज के लिए गढ़चिरौली से कैलाश शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। विश्व गुरु बनने की चाहत रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। हालांकि आजादी के बाद से 75 वर्ष के दौरान अन्याय और उत्पीड़न की कई घटनाएं हुई है, लेकिन मणिपुर में उत्पीड़न का कोई अंत नहीं है। बीजेपी ने लगातार लोगों के बीच सांप्रदायिक तनाव पैदा कर राज्य चलाने की कोशिश की है। इसका नतीजा ये है कि अगर समय रहते मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को नहीं रोका गया तो हमें भविष्य में ऐसी घटनाएं देखने को मिलेगी। उसी तरह प्रोफेसर दहिवड़े ने कहा कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में गांधी चौक पर धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कॉमरेड रामन्ना, कॉमरेड अरुण भेल के, प्रमोद गोडघाटे, कॉमरेड कैलाश रोड़े के नेतृत्व में हुए धरना कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष मौजूद थे। सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए भाजपा को शर्म आनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, सांप्रदायिकता बढ़ाकर सरकार चलाना बंद करे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, जात पात धर्म का झगड़ा नहीं चलेगा नहीं चलेगा आदि ऐसे नारे लगाए गए। मार्गदर्शन पर भाषण में कॉमरेड किशोर जामदार ने कहा कि बर्बर तरीके से गैंगवार चल रहा है। गैंगवार में एक गैंग दूसरे गैंग के लोगों को मार रहा था। उनका सिद्धांत था कि उन्हें जीवित नहीं रखा जाना चाहिए। आजादी के 75 साल बाद हमारे देश भारत में वैसा ही बर्बर राज्य बना हुआ है। मैंने ये लाइव देखा है, लेकिन हुक्मरानों को इस पर शर्म नहीं आती। राजेश पिंजरकर, विद्या निबराड, शारदा लेंगुरे ने अपने विचार प्रस्तुत किए। धरना कार्यक्रम में लाल झंडा कोयला खदान श्रमिक संघ, जनवादी महिला संगठन, लाल झंडा भवन निर्माण श्रमिक संघ, विदर्भ वन श्रमिक संघ आदि के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। 1000 लोक त्या ठिकाणी उपस्थित राहतात, 4 मेची घटना 2 महिने लुटून जातात, कारवाई कोणावरही होत नाही। हे लोकशाही शासन आहे की रानटी शासन आहे? या काळामध्ये टोळ्या होत्या, टोळ्या एक टोळी विरुद्ध दुसरी टोळी युद्ध व्हायचे, टोळीच्या सर्व लोकांना मारून टाकायचा हा होता युद्धाचा न्याय। हीच परिस्थिती आज 75 वर्षानंतर त्याचं बीजारोपण मणिपूरमध्ये झालेलं आहे। हे झाड जर उपडून फेकलं नाही तर हा वटवृक्ष, हा दुर्मिळ वटवृक्ष संपूर्ण देशामध्ये फोफावल्याशिवाय राहणार नाही। नरेंद्र मोदी बहिरा आहे, तिथला पोलीस जे आहे त्यांना मदत करत आहे, शस्त्र जे आहे 4000 शस्त्र घेऊन गेले। कसे काय घेऊन गेले? त्या ठिकाणी सिक्युरिटी नव्हती काय? आणि त्या शस्त्रांचा वापर कोणासाठी? आदिवासींच्या विरोधामध्ये। आणि ही घटना तो मुख्यमंत्री बिरेन सिंग म्हणतो अरे कोण्या घटनेबद्दल बोलता, ही तर एक घटना आहे, अशा तर 100 घटना झाल्या आहे असं म्हणताना त्याला लाज वाटत नाही। आणि भाजपाचं नेतृत्व करणाऱ्या नरेंद्र मोदीला देखील लाज आणि शरम नाही। ही आहे स्थिती या देशाची। आमची मागणी आहे की तो मुख्यमंत्री देखील अकालपट्टी झाली पाहिजे, अन्याय अत्याचार करणाऱ्यांना गजाआड केलं पाहिजे, त्यांना फाशीची शिक्षा दिली पाहिजे। सांप्रदायिक दंगली, हिंदू मुस्लिम तणाव, हिंदू आदिवासी तणाव निर्माण करणाऱ्या ज्या शक्ती आहे त्यांच्यावर पायबंद घातला गेला पाहिजे, नाहीतर या देशामध्ये अराजकता निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही, होऊ नये। आणि म्हणून त्यासाठी आम्ही आज या ठिकाणी आलेलो। NBCN न्यूज के लिए चंद्रपुर से सुनील ताड़े की स्पेशल रिपोर्ट। नागपुर तालुका पत्रकार संघ का द्विवार्षिक चुनाव रविवार 30 जुलाई को दत्तावाड़ी स्थित नागपुर तालुका पत्रकार संघ के कार्यालय में वरिष्ठ पत्रकार सुरेश फलके की अध्यक्षता में अध्यक्ष दिलीप ठाकरे और वरिष्ठ पत्रकार अरुण कराले की उपस्थिति में आयोजित किया गया। पत्रकार अजय तायवाड़े और दैनिक नागपुर मेट्रो समाचार के पत्रकार सौरभ पाटिल का चयन किया गया। पत्रकार राहुल शेंडे को सचिव चुना गया। वर्ष 2023 से 2025 की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई एवं उपाध्यक्ष शुभम राउत, पत्रकार गजेन डोंगरे, कोषाध्यक्ष जिला प्रतिनिधि नटवरलाल अबोटी, प्रचार प्रमुख लोकेश पांडे को सर्वसम्मति से चुना गया। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष दिलीप ठाकरे ने अध्यक्ष अजय तायवाड़े को पदभार सौंपा। संचालन समाधान चौबगार ने किया। इस अवसर पर सदस्य दिलीप ठाकरे, संजय खांडेकर, सुरेंद्र हाजी खाए, शुभम ठाकरे प्रमुखता से उपस्थित थे। NBCN न्यूज के लिए वाड़ी से संवाददाता की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन खबरों में बस इतना ही। रोजाना ऐसी खबरें देखने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज।